तुमसे कहा था कि पाकिस्तान आगे एशिया कप खेल लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो श्रीलंका की टूई में घुसना था, जाओ खेलो जाके वहां पे बारिशों में। है, तुम्हें क्या, हम क्या बहुत ज्यादा फारिग दिखते हैं क्या, मतलब और कुछ करने को नहीं है वीकेंड पे के पहले इंडिया की 50 ओवर बैटिंग देखो, फिर पाकिस्तान की जब बैटिंग है तो बारिश हो जाए, फिर वेट करते रहे कि बारिश कब खत्म होगी कब खत्म होगी, और फिर आखिर में चले गए जानी बारिश तो नहीं हुई, मैच अबैंडन कर दिया। मतलब तुम्हें कहा था श्रीलंका में भी अगर खेलना है तो डेम्बुला में जाके खेल लो, वहां पे ड्राई कंडीशन है, लेकिन नहीं तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें डर लगता है जानी, ये मुझे इस बात का अंदाजा हो गया, यकीन हो गया। और जैसा देखो जानी, बात सारी ये है कि तुम हो गए अपने इलाके के जानी, तुम रॉकेट हो गए, लेकिन अब जानी तुम्हारा हरामी पन जो है ना, ये सर के ऊपर से जा रहा है, ठीक है, पानी सर के ऊपर तुमसे मेरी हटने लगी है, ठीक है। मतलब जैसा कि अगर मैं रैंकिंग करूं ना, तो ऐसा है कि फिरौन, याजूज माजूज, दज्जाल, जैशा, ये यहां कहीं बैठा हुआ ऊपर ना, मतलब इसको चैन नहीं है इस आदमी को कि मैं ढंग से एक इवेंट होने दूं। भाई अगर तुम्हें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि भाई डेम्बुला में खेल लो, तो तुम्हें किसने कहा था कि यहां पे अपने, मतलब ये एक महीने पहले से पता था कि यहां पे बारिशें हैं, तुम्हें फिर भी यहीं घुसना था, इसका मतलब तुम्हारी फटती है हमारी बॉलिंग अटैक से, साफ सी बात है यानी, देख लिया हमने किस तरह से जो है हमारे शाहीन, नसीम और हारिस ने क्या हाल की है, यानी नजर भी नहीं आ रही थी। रोहित शर्मा का तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया है ना, वो तो हमारे कोच बनना चाहते थे कि एक दिन कोच बना तो जरूर बताऊंगा कैसे बैटिंग करते हैं, वहां से लेके क्या अपडेट किया है कि अब हमारे पास शाहीन, नसीम और हारिस जैसे बॉलर्स तो है नहीं जो हम उनकी प्रैक्टिस कर सके, ये होता है। और जानी एक और बात बता दूं, रोहित शर्मा को देख के ना विराट कोहली का भी जो ना सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, विराट कोहली के होंगे घर के किंग होंगे वो, वहां के इंडिया के किंग होंगे जो भी है यानी, लेकिन वो जो रोहित शर्मा का आउट है ना, उससे विराट कोहली का एक्सप्रेशन देखो, आधा मैच तो वहीं हार गया, तो उसने कहा दादा ये क्या, उसको पता था कि आज लड़के जो है ना खतरनाक पेस में आए हैं, खतरनाक मूड में आए हैं, चीरफाड़ मचा देंगे, और उन्होंने वही किया। मतलब देखो तो जानी, बारिश होने के बावजूद, बार बार ब्रेक होने के बावजूद लड़कों ने किस तरह की स्विंग, चेक करो स्विंग, तुम्हारे जो प्रिंस बने हुए ना शुभमन गिल, उनको समझ भी नहीं आ रही थी बॉलें जहां का आ रही है, ऑफ स्टंप की बॉल छेड़ भी नहीं रहा था कोई, ये होता है डर। रोहित शर्मा को क्या सेट किया लड़कों ने, क्या सेट किया शाहीन ने, दो बाहर तीसरी अंदर ठक बोल्ड, चलो भाई घर जा अपने। विराट कोहली का भी जानी बाहर बाहर करके एकदम से हल्की सी अंदर हो गए ठक करके विकेट के अंदर, यानी ये होता है डर, इस डर के पैसे हैं। अब जब इंडिया के तीन आउट हो गए ना, तो उसके बाद साला एक आदमी तो बहुत उछल रहा था, बहुत फुदक रहा था, मैं देख रहा हूं ये कर क्या रहे, अबे 150 का पेस है हारिस रऊफ का, तुझे डर नहीं लगता, श्रेयस अय्यर उसको चौके मारेगा, तुझे शर्म नहीं आती, अबे वो हारिस रऊफ को चौके करा रहा है, अबे गलती से ऊपर नीचे बॉल हो गई ना, तेरी नाक वाक फूडिया की, अभी अभी खड़ा हुआ इंजरी से, कुछ ना कुछ हो जाएगा ऊपर नीचे, पर हमें नहीं बोली हुई, ये क्या हुआ उसको, यानी चौके करा रहा है, चौके करा रहा है, फिर क्या हुआ, इज्जत से फिर आउट होना पड़ा ना, मेरे फौजी ने कैसा कैच पकड़ा तुम्हारा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, है हैं शर्म नहीं आती, डर नहीं है तेरे अंदर, है मरना है तुझे, है डर नहीं लगता, मतलब श्रेयस अय्यर तेरे में डर नहीं है, पेस तो देख कम से कम, हारिस रऊफ का तेरे बल्ले तोड़ा है, वो आउट तो वो करेगा ही, साथ में इंडिया का खर्चा भी करवा रहे, यानी बल्ले तोड़ रहे हमारे लौंडे, ये तो विकेट यहाँ पे जाना फाइबर की बनने लगी, अगर लकड़ी की होती ना ये स्टंप्स भी तोड़ होते बैठे हुए यहाँ पे, ये लड़के पागल है जानी, ये आग उगल रहे आजकल, मतलब उन लोगों ने यानी तहस नहस करने के मूड में, हमें उर्वशी नहीं चाहिए भाई, उर्वशी नहीं चाहिए, हम नसीम को मना लेंगे, हमें उर्वशी नहीं चाहिए, नसीम की औकात उर्वशी के भी ऊपर की है, वो और ऊपर से आएगा नसीम शाह, उसको उर्वशी उर्वशी नहीं, उसको जानिए हम अंग्रेजी माल पहुंचाएंगे, वो हॉलीवुड जाएगा लड़का, वो बॉलीवुड नहीं आएगा। फिर वो नीचे थे हार्दिक पांडे और ईशान किशन आ गए, अपनी किस्मत देखो, वो आए ऐसे वक्त पे कि अपने पेसर्स का जो वो थोड़ा थोड़ा साइड में करने का, मिडिल ओवर्स में आ गए ना, स्पिनर्स कौन उतारेगा फिर, ठीक है, अब वो बैटिंग पिच थी वहां पे बॉल स्पिन नहीं हो रहा, तो जानी उन्होंने रन कर दिए, अब जब उन्होंने रन कर दिए थोड़े देर अच्छे पेस पे रन कर दिए ना ईशान किशन ने, जानी 82 हार्दिक पांड्या ने 87, ये आम बात नहीं है, इसको मैं बिल्कुल रिकग्नाइज कर रहा हूं इस बात पे, ये नहीं है कि नहीं नहीं खराब खेला, नहीं नहीं अच्छा खेला, बहुत मजा आ गया दोनों को देख के, मुझे डर लगने लगा था दोनों ने सेंचुरी मार दिया मैच हार जाएंगे। अब ये देख के ना, जो हमारे बाकी के बरसाती मेंढक हैं और उसमें से आधे जो ना कोहली सन्स हैं, जिन्होंने क्रिकेट देखना ही T20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू किया, उनको यही नहीं पता कि वनडे, उनको आज तक नहीं पता चला वनडे खेला किस तरह जाता है। अबे मेरे देखो मेरे बावले दोस्तों, उन्होंने जो है ना बैठ के ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने यानी इतनी कोई कंचा इनिंग्स खेली है ना, उन्होंने इंडिया को दी है रिकवरी, समझ लो इंडिया को दी है रिकवरी। वनडे ऐसे ही खेला जाता है, जब उनके 4 आउट हो गए थे ना 56 पे, तो उन्होंने इनिंग्स बिल्ड करनी थी। इतनी तारीफ ईशान किशन की और हार्दिक पांड्या की इसीलिए की जानी चाहिए कि उन्होंने जानी उस क्रूशल स्टेज में ना इंडिया को निकाला वहां से, नहीं तो ये 150-200 पे पैक थे। उन्होंने जानी पार्टनरशिप लगा, वनडे का यही काम होता है, ठीक है ना, और सारे फास्ट बॉलर अगर तुम बीच ओवर में लगवा देते, लोग कह रहे जानी फास्ट बॉलर्स का जो ना काम आया हुआ था, फास्ट बॉलर जो ना इनको उड़ा देते फॉरन, सपोज करो वो जानी चने थोड़ी बेचते हैं, हार्दिक पांड्या इंडिया का वाइस कैप्टन है, समझ में आ रही है। ईशान किशन जो है ना वो ऐसी नहीं खेल रहे ऋषभ पंत की जगह टीम के अंदर, समझ में आ रही है, वो कोई पर्पज है उसका। अगर वो दोनों फास्ट बॉलर सर्वाइव कर लेते कि चलो नसीम के भी ओवर हम निकाल देते हैं और शाहीन के ओवर भी निकाल देते हैं, हारिस का ओवर भी निकाल देते हैं, बचते कौन पीछे, आगा सलमान और शादाब के ओवर और नवाज के ओवर,
और आखिर में वो स्पिनर्स को लपेट देते पकड़ के, चल मेरा भाई 300 साढ़े 300 क्रॉस कर देते, तब भी तुम गालियां देते बाबर आजम को कि ये क्या किया फास्ट बॉलर आखिर के लिए बचा के। अबे जानी टैक्टिक्स होती है, नंबर वन ओडीआई टीम है पाकिस्तान, उसको पता है बाबर को कैसे टीम चलानी है, घर बैठ के कैप्टनसी मत करो प्लीज। मतलब लड़के जान मार रहे थे वो अलग बात है, फील्डिंग थोड़ी कच्ची हो रही थी, नहीं आ रही थी बॉल हाथ में, क्या करें तू कर ले जाके फील्डिंग, तुझे घर में कोई नहीं पूछता, यहाँ क्या खाक पूछेगा कोई, शर्म नहीं आती कहने की यार स्पिनर जो है ना हमारे खराब है और इनको जो है ना फास्ट बॉलर से सारी। अबे तो रेस्ट का तेरे अब्बा लेंगे आगे, यहाँ पे फास्ट बॉलिंग कराने में कितनी जान लगती है तुझे पता है फास्ट बॉलर को, क्या तू लगातार 10 ओवर करा देगा, तुझे मैं लगातार 2 ओवर करवा दू फास्ट का, तू हाँपता हुआ ना कुत्ते की तरह साइड में हो जाएगा, शर्म नहीं आती क्या? ओडीआई खेलने नहीं आते देखने, कम से कम देख ही लो समझ लो, नहीं पता तो किसी से पूछ लो कि ओडीआई कैसे खेले जाते हैं, थोड़ी अकल तो पकड़ो। फिर मेरे हारिस ने किस तरह ईशान किशन को आउट किया वो तो सबके सामने, लड़के ने स्लो रन मारी, ईशान किशन ने कहा मैं तो ये छक्का मारूंगा, बॉल खड़ी कर दी सीधी, यानी ये होती है थिंकिंग, लड़के ने कहा स्लो रन मारेंगे, फिर पांडे को आउट किया। लेकिन ये सब होने के बाद ना जडेजा वडेजा सब फारिग हो रहे थे, एक आदमी है वो यार वो बहुत ऊपर से आया आज, उसका नाम है बुमराह। यार बुमराह मैं कह रहा था यहां से बैठ के ना मेरा दिल कर रहा था कि हारिस वारिस जो है ना कोई इसकी कमर पे एक आधी बॉल मार दे, मतलब इसको डर वर नहीं है हमारे लड़कों को चौवे करा रहा है निकाल निकाल के, मतलब ये इसको इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, जरा सा डर नहीं है, जरा सी शर्म नहीं है इसके अंदर, थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर ले हमारे लड़कों की, हारिस 150 की ही कर ले, नसीम शाह की ही कर ले, हैं ऐसी तो उर्वशी पागल नहीं हुई ना उसके ऊपर, थोड़ी तो शर्म। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लड़कों ने किस तरह टीम पैक की, एशिया कप की हिस्ट्री में पहली दफा पूरी 10 की 10 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली है किसी टीम की, ये है हमारा पेस अटैक जानी देख लो। फिर भी चलो इनको 266 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो हमारे पढ़े लिखे जाहिल कह रहे हैं कि 266 ज्यादा बन गए, ये जो है ना इनको 200 में पैक करना था। अरे मेरे भाइयों देखो थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो, इस ग्राउंड में पार स्कोर ही 170-180 है, 170-180 पे टीमें जीत जाती हैं, यहाँ पे 300 करने वाले थे वो तो 300 पे जा रहे थे, शुक्र करो ईशान किशन और हार्दिक पांडे आउट हो गए, इनिंग्स बिल्ड कर दी थी उन लोगों ने आखिरी के 10 ओवर में, चीरफाड़ मचाने के मूड में थे वो तो फास्ट बॉलर आए दोबारा तो गए सारे, ठीक है थोड़ा सा थोड़ी सी अकल पकड़ो यहां से, ये बैट्समैन पिच थी, बैटिंग पिच है ये, थोड़ा सा अनइवन बाउंस था, लेकिन अपने बॉलर बहुत कड़क है, इनको क्रेडिट दो अपने बॉलर्स ने काम किया, नहीं तो ये रन 200-250 ही बनने थे, 250-300 वाली विकेट थी ये। मतलब आज आपका भाई प्रॉपर इनको धरने के मूड में था, मैं प्रॉपर जानी सबका काम उतार रहा था, सबसे पहले वो 3 यूट्यूबर्स का निकालता जो दिल्ली कैपिटल्स की शर्ट पहन के नेपाल को सपोर्ट कर रहे थे, उनको खाना तक खाने नहीं दे रहे थे नसीम शाह और शाहीन, उसने पिज्जा का स्लाइस उठाया सामने से आउट हो गया वहीं रख दिया, उसने कहा मेरी भूख मर गई, ये होता है जानी इनकी इनकी भूखे मारो, इनका मैं यूट्यूब चैनल बंद करवा के रहूंगा, इनकी रातों की नींद उड़ाऊंगा, इनके ख्वाबों में आऊंगा मैं। दूसरा ये कि अपने पाकिस्तान से 2-3 वहां पे गए मैं, उनको पता नहीं किसने कह दिया कि भाई तुम जाओगे, तो उनकी नहुसत है जानी, एक इंसान का एक ऑरा होता है जैसे मैं पहले बोला ना, एक ऑरा होता है इंसान का, उससे पता चलता है कि हाँ भाई तू अच्छा है कि तू बुरा है, ये इनके ऑरा में नहुसत है, देख लो बारिश हो गई वहां पे, ये नहीं होते ना मैच आपका निकल जाता कुछ ना कुछ करके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे लड़के अगर बॉलर अच्छे हैं तो हम सिर्फ बॉलिंग कराएं, जानिए नहीं ये, मैं चूंकि मैं गली क्रिकेट का बहुत अहम रुकन रह चुका हूं तो मुझे सिर्फ बॉलिंग कराने से बहुत खार आती है, लड़कों को बैटिंग मिलनी चाहिए थी, ये क्या बात हो गई सिर्फ बॉलिंग करा के इनको कटा दिया गया। जैसा थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी अकल पकड़ो बीसीसीआई, थोड़ा सा यार जानी थोड़ा सा करो कि यार थोड़ा डेम्बुला वेम्बुला में कर लेते, ये पाकिस्तान आ जाते, डर किस बात का है, इसी बात का है ना कि जानी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं हालात। अबे तुम्हारा सॉफ्टवेयर ही ऐसा अपडेट करेंगे तो मैं हालात की टेंशन ही नहीं होगी, देखो किस तरह किया लड़कों ने, जो इतने प्यार से तुम्हें मक्खन लपेटते ना ये मक्खन, लेकिन वही बात है बारिश, और अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो है ना क्या होता है, बारिश के चक्करों में तुम लोगों ने यहाँ पे मैच रखवाया था ताकि मैच ना हो सके। अबे हमें सब पता है, डर दिख जाता है, रोहित शर्मा की शक्ल देख के ना अब हमें सब पता चल गया, विराट कोहली को देख के ना हमें सब आइडिया हो गया कि जानी तुम लोगों के दिमाग में चल गया है। खैर अब आना ग्रुप स्टेज के अंदर, ग्रुप स्टेज में देखेंगे क्या होता है, मार दिया तो ठीक है, नहीं मारा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम ये वाला मैच तो जीतने ही वाले थे, वो तो नो रिजल्ट हो गया। और अब हमें ये भी पता है कि वर्ल्ड कप के अंदर तुम कुछ ऐसा कोई गेम वेम करने वाले हो, 2011 वाली फीलिंग आ रही है मुझे, सचिन तेंदुलकर और सईद अजमल वाली ना, कि वहां पे भी कुछ होने वाला है। खैर वो तो तब की तब देखी जाएगी, अभी यहाँ पे जो ना इज्जत से खेलने आना और जो ना ग्रुप स्टेज के अंदर देखते हैं क्या होता है।